मिल रही है, जहां भगदाराम के मर्डर के खुलासे के बाद हंगामा मचा हुआ है। बड़ी खबर आपको बता रहे, कंकाल को गठरी में लेकर परिजन धरने पर बैठे हुए हैं। कुलथाना पंचायत में धरने पर बैठे हुए हैं परिजन। मौके पर भारी पुलिस जाप्ता मौजूद है। परिजन और ग्रामीणों की मांग है कि मुआवजा और गुड़ा आंदोला थानाधिकारी को वहां से हटाया जाए। तो ये दो प्रमुख मांगे उनकी तरफ से हैं। दो महीने पहले दरअसल भगदाराम लापता हुआ था। भगदाराम की हत्या कर पहाड़ों में फेंक दिया गया था उसके शव को, और पुलिस को मिली थी केवल हड्डियां। समय रहते पुलिस कार्रवाई करती तो शायद भगदाराम का शव बरामद हो जाता। पुलिस की लापरवाही की वजह से आज ग्रामीणों में आक्रोश देखने को मिल रहा है और वहां भारी पुलिस जाब्ता तैनात किया गया है। सुभाष रोहित सवाल हमारे सहयोगी ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ रहे हैं। सुभाष, क्या कुछ मांगे हैं और मौके पर क्या स्थिति है इस वक्त? देखिए अभिनव, ये मामला बड़ा संगीन था। दो महीने पहले ही परिजनों ने शक जाहिर कर दिया था कि किस व्यक्ति के ऊपर उनको शक है, क्योंकि ये अवैध जो अंग्रेजी की दुकान जो शराब की थी उसी को लेकर के ये शिकायतें होती रही थी भिंडर गांव के अंदर, और अक्सर इस बात को लेकर के झगड़ा भी हुआ करता था। और उसी का नतीजा ये निकला कि दुकानदार ने इसको वहां से गायब किया और मारकर पहाड़ों के अंदर फेंक दिया। परिजनों ने पुलिस को बाकायदा नाम से रिपोर्ट दी थी, यहां तक कि उनको कहा था कि इनके ऊपर शक जाहिर है, अंतिम बार इनके साथ देखा गया था, लेकिन पुलिस उस मामले को ठंडा बस्ते में डाल देती है, उल्टा परिजनों को ही धमकाया जाता है। दो महीने तक किसी प्रकार की कार्रवाई नहीं होती थी, आखिर हाईकोर्ट की शरण में पहुंचे और जब हाईकोर्ट का डंडा हुआ तो पुलिस आनंद फानंद में चेती और आज उसका खुलासा हुआ, लेकिन पहाड़ों के अंदर केवल भगदाराम की अस्थियां मिली है। अब देखने वाली बात ये सामने है कि जालोर सिराना के अंदर एक मामला हो रखा है जिसको लेकर गोविंद सिंह डोटासरा और पीडब्ल्यू मंत्री भजनलाल जाटव पाली सर्किट हाउस में पहुंचे हैं। हो सकता है कि रास्ता जालोर का जाने का वही है, तो बीच के अंदर वहां पर माहौल गर्म नहीं हो जाए, इसके लिए भी परिजन न्याय की मांग को लेकर के अड़े हुए। अभिनव, चलिए शुक्रिया सुभाष तमाम जानकारी के लिए।